अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। ईद की मुनासबत से आज मैं आप लोगों के साथ लबे शीरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके इस डिज़र्ट को हम तैयार करेंगे और आप इसको चांद रात पे बना के फ्रिज में रख दीजिए ताकि अगले दिन ईद पे आप अपनी फैमिली के साथ इसको इंजॉय कर सकें। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक खुला बर्तन लिया है, उसमें दूध उबालने रखा है क्योंकि हम तैयार कर रहे हैं कस्टर्ड। उसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के मैं साइड में रखूंगी और ये जो उबलता हुआ दूध है इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको चीनी को हल करके इतनी देर के लिए पकाएंगे कि इसमें उबाल आ जाए। जो अलग से हमने दूध निकाल के रखा है उसमें हम कस्टर्ड पाउडर डाल के एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। आज मैं वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। यूजुअली रबेशीरी पिंक कलर का होता है, तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दूध में उबाल आ गया तो मिक्स करा हुआ जो कस्टर्ड का दूध था वो उसमें शामिल करते जा रहे हैं, साथ साथ चमचा हिलाते जा रहे हैं। इस वक्त आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसी होने के बजाय कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, यानी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बहुत ज़्यादा पतली। वो जो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ वो थोड़ी सी रॉन्ग कंसिस्टेंसी थी, ऑयन में मेरा डिज़र्ट इतना अच्छा नहीं बना, बाद में मैंने उसे फिक्स कर लिया था। तो ये जो सेवैयाँ हैं उसके बाद जैसे ही कस्टर्ड पक गया तो मैं रंगीन सेवैयाँ का इस्तेमाल करके इसके अंदर डाल रही हूँ। इतनी देर पकाऊंगी कि सेवैयाँ अच्छे से पक जाए। अच्छा, मैं इसके अंदर किशमिश का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब सेवैयाँ पक गई तो चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसी गर्म दूध में किशमिश डाली ताकि वो फूल जाए। अब हम इसको रखेंगे साइड में और बाकी जो डिफरेंट अज्जा हम इसमें इस्तेमाल करें उसमें शामिल है पाइनएप्पल चंक्स, एक कैन इस्तेमाल करूँगी। फ्रूट कॉकटेल का कैन है वो भी ले रही हूँ। उसके साथ साथ लबेशीरी में डलती है जेलो, तो आज मैं रेड यानी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के जेलो तैयार करके एक बोल में डाल के रख रही हूँ और उसके साथ साथ बनाना फ्लेवर या ग्रीन कलर की जो जेलो है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर उसके बाद इसके अंदर नट्स शामिल करेंगे जिसमें मैं आज बादाम और पिस्ते काट के रख रही हूँ। जब कस्टर्ड और सेवैयाँ का मिक्सचर ठंडा हो गया फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम। फिर इसके अंदर डाल रही हूँ कोई भी लाल शरबत, जामशीरी, रूह अफ़ज़ा और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस वक्त ये ध्यान में रहे कि कस्टर्ड कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए। अब जो हमने फ्रूट कॉकटेल और पाइनएप्पल को का जूस निकाल के रखा हुआ था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ साथ जो नट्स हमने काट के रखे हैं वो शामिल करेंगे। आप चाहें किसी भी किस्म का अलग सा फ्रूट भी डाल सकते हैं, आम का सीज़न आने वाला है, ग्रेप्स, कुछ भी जो आपको पसंद हो फ्रूट वो आप इसके अंदर शामिल कीजिए। इसके साथ साथ इसके अंदर जो जेलो जमा के रखी थी उसके क्यूब्स काट के वो इसके अंदर शामिल कर दिए और इन तमाम चीज़ों का अब आप मिक्स कर लीजिए। अच्छा, जो मैंने पहले कंसिस्टेंसी की बात की थी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो राइट कंसिस्टेंसी है। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको वो बीच के रिजल्ट्स वो नहीं दिखा सकी। अब मैं इसको सर्विंग डिश में डाल रही हूँ। जो थोड़ी सी बची हुई जेलो है उसको डिश में डाला है, उसके ऊपर जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो इंडिविजुअल सर्विंग भी कर सकते हैं, ऊपर से बचे हुए जेलो के पीसेस और पिस्ते बादाम के साथ इसको सर्व कर दीजिए। फ्रिज में रखिए और खूब ठंडा करके इसको अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। मैं जानती हूँ कि हम सब के लिए ये ईद 2020 जो है वो बहुत डिफरेंट है, मगर हमारी अपनी फैमिलीज के लिए और हमारी सेहत के लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि हम घर में रहें और अपनी फैमिली के साथ इस तरह के मज़ेदार से खाने बनाकर इस ईद को भी एक मेमोरेबल ईद बना लें। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि यह आपको कैसी लगी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।